देश में CAA लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल गई। सभी शरणार्थी पिछले कई सालों से देश में नागरिकता पाने की कोशिश में लगे हुए थे, जिसके बाद 15 मई 2024 को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए। इसके साथ ही देश भर के करीब 31,000 गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारतीय नागरिकता का सर्टिफिकेट पाकर लोगों ने क्या बताया, आइए आपको बताते हैं। अभी हम आदेश नगर में रह रहे हैं और 2014 में हम यहाँ पे आए थे दिल्ली में। पहले गुजरात गए थे, फिर गुजरात से 4 साल गुजरात में रहे, फिर यहाँ पे दिल्ली में आए। तो कितनी दिक्कतें थी बिना सर्टिफिकेट के, बिना सिटीजनशिप के, और आज कितना परिवर्तन जीवन में महसूस कर रहे हैं? आज तो बहुत खुश है कि हमारे को नागरिकता मिल गई है। और मैं जैसे वहाँ से आया तो मेरे यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैं पढ़ भी नहीं पाया। तो अभी तो हाल फिलहाल छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो अभी सर्टिफिकेट मिल गया तो ऐसा है कि हम बहुत खुश हैं और हमारे बच्चे भी इससे पढ़ पाएंगे और हम भी जैसे हर चीज में खुश रहेंगे। और पहले मैं जैसे पढ़ना चाहता था तो मैं पढ़ नहीं पाया, सर्टिफिकेट ऐसे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं पढ़ पाया। और आज इतनी खुशी मिल रही है कि बस मत पूछो। आज हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हमें नागरिकता मिल गई है, आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। 2014 हाँ, जब खबर सुनी थी तो खुशी हुई थी? हाँ, बहुत खुशी हुई थी। हाँ, जब CA पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। 2013 से रह रहे हैं हम, पाकिस्तान से आए थे, सिंध हैदराबाद से 2013 में आए थे इंडिया में, जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं 2013 से। पहले से अभी सही है, क्योंकि हमें नागरिकता मिल गई है और सही है, लग रहा है। कितने समय से इंतजार था नागरिकता का? बहुत समय से इंतजार था कि हमें कब नागरिकता मिलेगी, कब यहाँ के हम होंगे और कब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे। अभी शुक्र है मोदी जी का, यहाँ के देश का, कि हमें नागरिकता मिल गई और हम इंडिया के हो गए। पाकिस्तान में तो भैया बहुत बताने से भी बहुत दिक्कतें थी, अब तक भी दिखते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं। जो है वो भगवान की उम्मीद है, वो ही देख रहा, हम तो नहीं देख रहे। हम तो छोटे थे, हमारी शादी भी यहाँ पे की है। आपके जानकार अभी भी पाकिस्तान? हाँ, मेरे चाचा जी हैं, मेरे ससुराल वहाँ पे। वो क्या बताते, वो थोड़ी बताएंगे, बस सही है। आटा महंगा हो रहा है, अभी राशन पानी जैसे महंगाई, पैसे कम हैं। 500 रुपये में वहाँ पे क्या, 200 रुपये किलो आटा, 700 रुपये किलो घी है, रिफाइंड है, अभी इतनी महंगाई भी है वहाँ पे। तो बस उसी महंगाई उसे, जैसे होली दिवाली जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने नहीं जाते, ऐसी चीजें हम नहीं करते क्योंकि खेती बाड़ी वहाँ पे करते हैं बस।